पुरोला में धान की नर्सरी की बुआई के समय को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नहरों की साफ सफाई शुरू की। बताते चले कि हर वर्ष अप्रैल माह में किसान धान की नर्सरी डालते हैं, पर इस वर्ष क्षेत्र में पड़ रहे सूखे की वजह से धान की नर्सरी का उगना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए नहरों द्वारा नर्सरी की सिंचाई ही एकमात्र रास्ता था। किसानों की परेशानी व आगामी खरीफ फसलों की बुआई के मद्देनजर नहरों की मरम्मत आवश्यक हो गई थी। अब सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत शुरू कराए जाने पर लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश उन्याल ने बताया कि क्षेत्र में पड़ रहे सूखे की वजह से यहाँ के किसानों की मटर की फसल 80% के करीब खराब हो गई थी, जिस कारण किसानों को मटर की फसल में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब नहरों के अनुरक्षण होने से आगामी खरीफ की खेती में निसंदेह राहत मिलेगी।